चलिए हम हमारे सारे एलुमनाई को क्लासरूम में लेकर आए हैं और उसकी भी वजह है चूंकि इनकी पुरानी यादें हम ताज़ा कर रहे हैं और इन्हीं से जानते हैं कि कैसा लग रहा है बहुत टाइम बाद एलन के क्लासरूम में फिर से बैठकर कैसा लग रहा है। बहुत सब याद आ रहा है, वापस यहीं पे बैठ के क्लासेस लगाई थी, सबने साथ में लगाई थी क्लासेस। सबने क्लासेस लगाई थी, लेकिन क्लासरूम के कोई किस्से बताना चाहोगे? हम जैसे कि हाँ, एक दिन 8:30 बजे हमारी क्लास छूटती थी, तो ऐसे क्लास में सारा बोर्ड भरा हुआ है, एक बच्चा अंदर से उठता है और डस्टर उठा और साफ करके चला गया और सारी क्लास चिल्ला रही है क्या कर दिया और भाग जाते थे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती थी, कुछ बता नहीं सकते इंटरव्यू में, लेकिन काफ़ी अच्छी मज़ेदार चीज़ें होती थी। मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे किस्से क्लासरूम में होते हैं और डेफिनेटली ये वो यादें हैं जिनको ये दोबारा जीने आए हैं। अच्छा, आपसे पूछना चाहूँगी कि क्लासरूम में बैठे हो, वही दोस्त हैं जिनके साथ कभी क्लास में पढ़ा करते थे, मस्ती किया करते थे, और कंटिन्यू क्लासेस लगना है ना, और उसके बाद वो 5-10 मिनट का ब्रेक मिलना, वो खुशी कैसी होती थी? पहले उठ के भागते थे बाहर, बट काफ़ी मज़ा आता था ओवरऑल क्लास में भी। फिर हम लोग बाहर ब्रेक में निकलते थे, कैंटीन वगैरह होती थी, हम लोग बिस्किट वगैरह खा रहे हैं साथ में शेयर करके, फिर डाउट डिस्कशन होती थी कि सर क्या पढ़ाए, वो सब हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, अच्छा ये वाले क्वेश्चन में तो ये होगा ना। देखो बहुत सारी यादें हैं यहाँ पे, लेकिन साथ में पढ़ाई भी उतनी ही ज़रूरी थी, तो उन्होंने ये भी बताया कि हम कैसे क्वेश्चंस को आपस में डिस्कस करते थे, और शायद मैं कहूँगी ये ज़रूरी भी है आशीष, क्योंकि किस कॉन्सेप्ट को आप कैसे सॉल्व कर रहे हो या दोस्त कैसे सॉल्व कर रहा है, ये ज़रूरी है। अच्छा, अब तो क्लास में पीयर ग्रुप बहुत ज़रूरी है, कॉम्पिटिशन ज़रूरी है, हेल्दी कॉम्पिटिशन। हेल्दी कंपटीशन तो होना ही चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि ऐसे हमने देखा है जनरली कि जो ग्रुप में लोग होते हैं सब पढ़ते हैं आपस में, तो सब आपस में जैसे एक को डाउट आया दूसरे ने सॉल्व कर दिया, मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया उसने दूसरे तरीके से सॉल्व किया, छोटा तरीका था शॉर्ट ट्रिक पता चल गई, तो इसलिए एक हेल्दी कॉम्पिटिशन के लिए अच्छा ग्रुप साथ में होता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें वहीं सीखने को मिल जाती है, डाउट ऐसा आता है टीचर तक पहुँचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कई बार हम आपस में सॉल्व कर लेते हैं तो। और फिर टेस्ट होते हैं, रैंक्स आती है, पेपर डिस्कस कर लेते हैं हम आपस में, जैसे पहले भी कहा था हमने कि वो पेपर के आंसर की हम कभी आने से पहले बना लेते थे, तो वही है कि ग्रुप होना जरूरी, अच्छी बात है। डेफिनेटली ग्रुप होना जरूरी है और अच्छा ग्रुप जरूरी है, तभी तो आप आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करोगे एक दूसरे को। अच्छा, चूंकि क्लासरूम कितनी सारी यादें आप लोगों की जुड़ी हुई है और एक साथ इतने बच्चे बैठना, तो कभी एकदम से चिल्लाए हो क्लास में, एकदम से हूटिंग कर दी और टीचर ने कहा कि क्या हो रहा है भाई? हाँ, ऐसा तो हुआ है, कभी कभी होता था कि टीचर ने कुछ एक्साइटिंग बोला, सब एक्साइट होके और कुछ कर दिए, या फिर कभी कभी प्रोजेक्टर ऑन होता था तो लाइट बंद होती थी, जैसे ही लाइट बंद होती थी सब हूटिंग करते थे, प्रोजेक्टर स्टार्ट होता था, तो होता था कभी कभी मौज मस्ती चलती थी। क्लासरूम, ग्रीन टी शर्ट, वो यूनिफॉर्म, वो ग्रीन अम्ब्रेला, वो सब चीज़ें क्या अभी भी संभाल के रखी है किसी ने? सारी चीज़ें हैं तो अभी भी कॉलेज में वो यादें हैं, अम्ब्रेला है, टी शर्ट है, क्या है? सब है, अम्ब्रेला, बैग, टी शर्ट, सब पड़ा है। क्या बात है, देखिए एलन की जो पहचान है स्टूडेंट्स हैं, और ये स्टूडेंट्स ही हैं जो सफल होकर आगे भी अपनी यादें रखते हैं। तो चलिए अब थोड़ी एकेडमिक चीज़ों पे आ जाते हैं, चूँकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ना संशय होता है, कोटा जाना है, कोचिंग में रहकर नीट किया जाए कि मुझे प्रिपरेशन करनी है, और आप तो सभी भावी डॉक्टर्स हैं, ऐसे में क्या जो कोर्स की प्लानिंग होती है यहाँ की वो NCERT के हिसाब से होती है, NCERT के पूरे कोर्स को कवर किया जाता है? अनमोल, आपसे जानना चाहूँ। हाँ, यहाँ पे वो सब प्लान्ड है, टेस्ट और जो पढ़ाते हैं सब मटेरियल उस हिसाब से क्वेश्चंस देते हैं, टेस्ट होते रहते हैं टाइम टू टाइम, फिर ग्रैंड टेस्ट, मिनी टेस्ट, पूरा सिलेबस कवर कर देते हैं, और 12th में तो बहुत जल्दी कर देते हैं, फिर 11th का रिवीजन होता है, फिर बोर्ड्स का हमारा एलन का बहुत अच्छा वो है कि हमें अलग से कुछ नहीं लेना पड़ता कोचिंग, बोर्ड्स की यहाँ पे प्रिपरेशन करवाई, फिर बोर्ड्स के टाइम पे लीव दे दी, तो बोर्ड्स दे के फिर दोबारा प्रिपरेशन होती है, तो कहीं से पीछे नहीं रहने देते। मतलब अलग से आपको स्कूल या किसी और चीज़ को, मतलब 12th की तैयारी करने के लिए, बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए आपको अलग से कहीं नहीं जाना? नहीं मैम, कहीं नहीं जाना होता, यहीं से मतलब जो क्लास के नोट्स हैं वो मतलब सफिशेंट होते हैं कि आप बेसिकली आंसर राइटिंग आपको आनी चाहिए, वो आप 10th में इतना सीख के आते हो कि आप आंसर लिखना है, और बेसिकली सारी चीज़ें आपको पता है, थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश करनी होती है, उसकी क्लासेस यहाँ पे लग जाती है, ऐसे दिसंबर की जनवरी के आसपास लगेगी, और फेब में आप बोर्ड होते हैं फेब और मार्च में, तो आप एक आध महीना पढ़ लो उसके लिए, इतने में सफिशेंट तैयारी हो जाती है। अच्छा चलो, ये तो बात हो गई कि बोर्ड और NCERT के हिसाब से पूरी तैयारी एलन में करवा दी जाती है, इसके अलावा ये पूछना चाहूँगी जैसे डाउट्स का क्या रहता है, डाउट कैसे सॉल्व होते हैं, नोट्स कैसे कैसे बनाए जाते हैं, एक तो वो नोट हो गए जो आपने बनाए या फिर टीचर ने बताया? मैं तो क्या करता था कि नोट्स को कंपाइल करने की कोशिश करता था कि जब भी मेरी एग्ज़ाम आए तो मुझे एक ही जगह से रिवाइज करने में हेल्प हो जाए, लाइक NCERT भी पढ़ना, नोट्स भी पढ़ना, फिर मॉड्यूल लिखना, ये काफ़ी हेक्टिक हो जाता, तो मैं ऐसा करता था नोट्स में सब कुछ हो, या तो मॉड्यूल में सब कुछ मैंने ऐड कर दिया और नोट्स, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलती थी, बाकी टीचर के नोट्स तो
मोस्टली काफ़ी अच्छे होते थे जैसे काम हो जाता। ये बात हुई नोट्स की। अब चूंकि ना सबकी अपनी टिप्स होती है, ट्रिक्स होती है कि यार मैं तो ऐसे पढ़ता हूँ या फिर मैं ऐसे रिविजन करता हूँ या मैं मेरे नोट्स में भी शॉर्ट नोट्स निकाल लेता हूँ, मतलब मुझे लगता है मोस्टली ऐसा कुछ ना कुछ करते होंगे अपने हिसाब से, तो आप मुझे बताओगे कि सब आप लोगों ने क्या ऐसा किया जिसके चलते आपने अपना मनपसंद कॉलेज भी मिल गया, अच्छी रैंक भी मिल गई जो चाह रहे थे। मतलब ये होता है कि एक टाइम के बाद वो रिवाइज करने के लिए बहुत सारा कंटेंट हो जाता है, तो इतना सब कुछ सिर्फ बाद वाले टेस्ट में तो पूरा सिलेबस आता है, तो इतना सब कुछ रिवाइज हो नहीं पाता। तो वही है, या तो अब जैसे अब मैंने दो पेजेस पढ़े तो मुझे अब लास्ट में वो दो पेजेस पूरे नहीं पढ़ के मैं एक पैराग्राफ लिख के स्टिकी नोट पे चिपका लूँ बुक में कि मेरा इन पे कवर हो जाएगी, ये मेन पॉइंट्स है जो याद रहते नहीं है मुझे इन दो पेजेस में से, तो मैं वो पढ़ लूँ लास्ट में, अंडरलाइन कर लो इंपॉर्टेंट चीज़ें, हाईलाइट कर लो, तो इससे टाइम बचता है ना लास्ट में नोट्स में कुछ। जैसे अब जैसे अरिश ने बताया कि कंपाइल कर लो एक ही जगह, वो बेस्ट तरीका है कि एक नोट्स में कहीं पे लिख लो या फिर कुछ ऐड कर लो कुछ, तो वही कंपाइल जितना करोगे उतना आपका टाइम बचेगा लास्ट में, जितना टाइम बचेगा उतना टाइम बढ़ेगा रिवीजन के लिए बाकी चीज़ों का, वही लास्ट में मैटर करता है। देखो यथार्थ सभी अपने अपने टिप्स बता रहे हैं, आपसे भी जानना चाहूंगी कि क्योंकि जो नीट के स्टूडेंट्स हैं जो अभी एग्जाम देंगे ऐसे में वो किस तरह से रिविजन करें, या फिर जो चीज़ें उनको लग रहा है कि यार वो मुझे अभी भी समझ नहीं आया उस पर जाएँ या सिर्फ रिविजन पर फोकस करें, आप क्या टिप्स देना चाहूँगी? लास्ट के लिए तो मैंने क्या किया था, मेनली क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे, मतलब लास्ट एक दो महीना, हाँ प्रीवियस ईयर्स भी और जो और टेस्ट सीरीज थी उन सब के क्वेश्चन पेपर, लाइक रोज़ एक पेपर तो करता ही था मैं, तो उससे वो रिदम बना रहता है, फिर जब हम पेपर देने जाते हैं तो आ जाता है कि हाँ वो रिदम बना हुआ, एक महीने से पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो स्पीड बन जाती है, हो जाता है। और फिर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, जो जो गलतियाँ हुई उसको वापस से देखा कि क्या लैक हो रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट में गलती हो रही है, और उसके अलावा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया, एनालिसिस हो गया, बाकी जितना टाइम बचा था उसमें रिवीजन नहीं करना है, मतलब एक दो महीने बचे तो नया तो नहीं पढ़ना है अभी कुछ, क्योंकि जो मेन जो पढ़ रखा है वही अच्छे से रिवीजन नहीं करना है, तो मेन यही रहता था मेरा कि क्वेश्चन सॉल्व और रिवीजन। क्या बात है। अच्छा चूंकि आप लोग दो दो साल कोटा में यहाँ रहकर गए और अपने सपने भी पूरे किए और आज एक अच्छा मैं कहूँगी नाम करने के अग्रसर हो, ज़्यादातर कंपाइल करके और रिवीजन करके सब कुछ हो जाता था कवर, उसके बाद मेन ये है कि जो तुम्हारे वीक टॉपिक्स हैं ना उनको अलग से एक जगह लिख लो, जो वीक टॉपिक हैं वीक पॉइंट्स हैं जो याद नहीं रहते उनको लिख लो, उनका मल्टीपल रिवीजन और शॉर्ट नोट्स या फिर इमेजेस से ज़्यादा याद हो, विजुअल अच्छा एड होता है उसे याद रहता है, एक दूसरे से डिस्कस करके बहुत अच्छा याद रहता है, जो वीक टॉपिक है उसे डिस्कस कर लो, उसका वीक टॉपिक डिस्कस कर लो, दोनों का स्ट्रॉन्ग हो जाता है वो टॉपिक, तो उससे अच्छा रहता है। एलन को आप लोगों ने बहुत करीब से देखा है इन दो सालों में, मतलब एलन सिस्टम को बहुत अच्छे से जाना है, एलन सिस्टम के बारे में जानना चाहूँगी किस तरह का सिस्टम है, क्योंकि आप लोगों के अधिकतरों के भाई बहन भी यहीं पढ़ते हैं, विदित आपसे जानना चाहूँगी कि एलन सिस्टम को आपने इतना करीब से देखा, आपको क्या लगता है कि कोटा वाकई जीतने के लिए तैयार कर देता है? मैम क्योंकि बेसिकली आप किसी भी टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हो, क्योंकि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए बेसिकली डिसिप्लिन में आना बहुत ज़रूरी है, तो बेसिकली एक रेगुलरिटी हमें एलन देता है कि आप 2 बजे आओगे, 8 बजे क्लास होगी आपकी, फिर एक बेसिक रूटीन दिन का सेट हो जाता है कि आप इस समय सो रहे हो, इस समय आप जाग रहे हो, इसमें आपके पेपर होंगे, महीने का एक पेपर फिक्स रहता था तो हमें उस हिसाब से शेड्यूल देते कि भाई अब एंड में जाके थोड़ी मस्ती कर लेंगे पेपर के बाद, तब तक हम पढ़ाई करेंगे, तो ऐसे बेसिकली सारी चीज़ें अपने सिस्टम में, जैसे ये था कि टीचर्स वगैरह थे तो डाउट के अलग टाइम रहता था और अपने क्लास के बाद भी डाउट्स वगैरह लेते थे, तो ये सब मतलब सिस्टम की बातें थी कि अच्छे से कर रहे थे हमारे साथ, तो हम भी ऐसे करते चले गए धीरे धीरे, हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें सिर्फ आता था सामने से कि आपको ये करना है जाके पढ़ो और सब कुछ चैलेंज करता था कब रेस देनी है। मैं इसमें ये समझूं कि अगर जो टीचर बता रहे हैं, जो एलन सिस्टम आपको बता रहा है, बस वो फॉलो किए जाओ, एक्स्ट्रा कोई बुक पढ़ना या एक्स्ट्रा कोई ज़्यादा ऐसे परेशान होने की जरूरत है नहीं अगर एग्जाम क्रैक करना है तो। ऐसा कुछ नहीं, आप बेसिक जो एलन प्रोवाइड कर रहा है वो करें आप शांति से, आपका आराम से सिलेक्शन होगा, अच्छी रैंक आएगी, हमने सबने ऐसे किया था। क्या बात है, मतलब ये मुझे बहुत ही वो लगा कि अलग से कुछ ज़्यादा टेंशन लिया, जो बताया गया क्लास में बस उसको फॉलो करते गए। अच्छा आपके बारे में जैसे नाम जो है मैं एक बार फिर से बता दूँ, अर्श, फर्स्ट से लेके आज तक मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम आपका लगा, आप क्या कहना चाहोगे एलम सिस्टम के बारे में, क्योंकि जब हम डिमोटिवेट हो जाते हैं ऐसे में टीचर मेंटर और डायरेक्टर सर, क्योंकि वो भी एक मोटिवेटर की भूमिका निभाते हैं, तो क्या बीच बीच में जो सेशन हुआ करते थे यहाँ पे, जैसे ओरिएंटेशन सेशन में एक बूस्ट आपको दे दिया जाता है, तो वो सेशन बहुत ज़रूरी है एक स्टूडेंट की लाइफ में? वो सेशन बहुत मज़ेदार होती थी, मुझे तो काफ़ी एनर्जाइज्ड फील होता था, मतलब एग्ज़ाम के बाद हमें प्राइज़ भी दिया जाता था, जो भी टॉप रैंकर्स हैं टॉप 10 में आ रहे हैं उन्हें प्राइस, उससे भी उसे देख के बाकी लोगों को भी काफ़ी मोटिवेशन आता था कि मुझे भी जाना है स्टेज पे प्राइस लेना है, और फिर जो मोटिवेशनल स्पीचेस वगैरह यहाँ के सर देते थे फैकल्टीज़, काफ़ी मज़ेदार, मतलब कई बार ऐसा भी होता है ना कि आप थोड़ा लूज़ कर जाते हो,
प्रिपरेशन करते करते थक गए, यार कैसे होगा, मुझसे नहीं पाएगा ऐसा वाला, तो वो चीज़ भी ओवरकम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला। तो मैं तो काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ एलन सिस्टम। एलन सिस्टम से आप लोग कितने सेटिस्फाइड हैं वो तो आप जहाँ जहाँ आज हैं आप लोग काफ़ी दिख भी रहा है। कौन कहाँ से है मैं ये भी जानना चाहूँगी, और कौन अब किस कॉलेज में है ये बताइए। अनमोल आपसे शुरू करते हैं। मैं वैसे फतेहाबाद हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और अभी UCMS दिल्ली में हूँ। हाँ मतलब अच्छे कॉलेज में दिल्ली में जाना मेन मेरा टारगेट था, वैसे कभी सोचा नहीं, बस वही पढ़ते चले गए जैसे जैसे, पता था कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाएगा, वही मिल गया अच्छा। और आप कहाँ से हो और जो सोचा था वो पाके निकले? मैं यूपी से हूँ और मतलब सोच के तो नहीं आया था मैं ऐसा कुछ, ये था कि जहाँ मेरे को डिजर्व करता हूँ मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, वहाँ पे मतलब मैं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली में। अर्श आप कौन से कॉलेज में हो और कहाँ से आप? मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ और अभी मैं बाबा साहेब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज में हूँ दिल्ली में। ये वो कॉलेज है जो शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स का सपना होता है जाना। अच्छा अर्श आप एलन से जुड़े कैसे, मतलब जरिया क्या था, किसने सबसे पहले आपको एलन के बारे में बताया? मैम मेरे स्कूल में पहले तो कई सारे जो एक्स स्टूडेंट थे वो सब आए थे, वो बताया कि कोटा काफ़ी अच्छा प्लेस है, वो लोग तैयारी किए हैं वहाँ पे, और मैं एलन के रिजल्ट्स वगैरह देखा था, निशिता पुरोहित रैंक वन लाई थी और एलन के बारे में काफ़ी सुना भी था। हमारे सीनियर्स एक दो और भी रहे थे इंजीनियरिंग में भी, वो भी काफ़ी अच्छा किए थे, तो आई थॉट कि हाँ एलन ही जाना है एंड कोटा इज़ अ नाइस प्लेस टू स्टडी, अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है कोटा। हाँ मैं टैलेंट एक्स किया था। अच्छा मैं चूंकि इस चीज़ को स्पेशली इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, मान लो कोटा आकर पढ़ना, हॉस्टल भी हो जाता है, कोचिंग भी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसे में टैलेंट एक्स हो गया, एसेट एग्जाम हो गया, स्टूडेंट्स को हेल्प करता है कि अगर वो डिजर्व करते हैं, उनकी कैपेबिलिटी है इतनी, तो वो कम से कम टैलेंट एक्स और एसेट जैसा एग्जाम दे के स्कॉलरशिप हासिल करके और फिर एलन के साथ मिलकर अपनी तैयारी कर। मैम मुझे टैलेंट एक्स के बारे में मालूम था, मैं 9th में भी दिया था इनफैक्ट, अच्छी एग्ज़ाम है कॉम्पिटेटिव के लिए, उस वक्त बस चेक कर रहा था, फिर फाइनली 11th मुझे एडमिशन लेना था तो मैंने 10th में लिया था, तो अराउंड मुझे 50% स्कॉलरशिप मिली। काफ़ी हेल्प करती है टैलेंट एक्स बच्चों को, स्कॉलरशिप अवेल करके वो लोग काफ़ी कम प्राइस में भी स्टडी कर सकते हैं, वेरी गुड। फिर हम लोग सारे ने 11th में भी टैलेंट एक्स दिया तो वो सबके लिए काफ़ी अच्छा रहा। क्या बात है, देखिए सभी ने अपनी जगह खुद बनाई है अपनी मेहनत के जरिए, और मैं फिर कहूँगी मेहनत से ही सफलता पाई जा सकती है, मेहनत की है तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। चलिए कुछ और किससे बताना चाहोगे, कॉलेज के या एलन कोचिंग के? अब एलन के तो किससे इतने हैं, 2 साल यहीं पे रहे थे, अब तब हमारे पास फ़ोन भी नहीं थे, हमारे पास वो वाला टाइम था जब हम कीपैड फ़ोन लेके आए थे एलन में, मतलब हमें सबने कहा था कि स्मार्टफोन से पढ़ाई कम होगी ऐसे ऐसे, तो सुनी सुनाई बातें थी, ले आए कीपैड फ़ोन, और फिर उसके बाद फिर कीपैड फ़ोन था, फिर हमारे पास कोई सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था नहीं, फिर वो कीपैड फ़ोन में भी कभी कभी हम यूट्यूब चला के स्टैंड अप कॉमेडी देख लेते थे हमने किया हुआ है कीपैड फ़ोन को स्पीकर से कनेक्ट करके उसमें स्टैंड अप कॉमेडी सुन रहे थे, एक बार बोर हो गए थे काफ़ी ऐसे, एक दो चीज़ें कीपैड फ़ोन था उसमें कभी कभी 100 MB इंटरनेट आता था, उसमें जोक्स वगैरह गूगल से जोक्स सुनते थे, मतलब गूगल का एक नंबर होता था डायल करने का, उसमें गूगल जोक सुनाती थी उसमें, वो सुनते थे कभी कभी ऐसी टाइम पास करने के लिए, तो यही सब थे मतलब कीपैड फ़ोन में हम जब 2 साल निकले थे, और फिर तो स्मार्टफोन मिल ही गया कॉलेज आके। मुझे नहीं पता था कि आप कोई उस ज़माने के बच्चे हो जिन लोगों ने कीपैड फ़ोन यूज़ किया होगा, लेकिन ये ज़रूरी भी है। अच्छा अभी जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्मार्टफोन से रहना, सोशल मीडिया से दूर रहना कितना ज़रूरी है? सोशल मीडिया से तो दूर रहना चाहिए अभी फ़िलहाल, क्योंकि एक डिस्ट्रैक्शन हो जाता है वो, क्योंकि अब मेन तो अभी आपको 12-13 घंटे पढ़ना है, तो और कुछ के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है, तो अगर आप उसमें जाओगे तो एक बार आप लग जाते हो तो आधे एक घंटे तो निकल ही जाते हैं, फिर उसमें आइज़ पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है थोड़ा बहुत, और स्क्रीन देखने से आँखें थक जाती हैं, फिर पढ़ाई पे वापस फोकस करना मुश्किल हो जाता है, तो फिर अभी सोशल मीडिया देखने का तो कोई मतलब ही नहीं है, आपको खुद में रहना है, बाहर की दुनिया से क्या ही मतलब है, तो अभी तो मैं सजेस्ट करूँगा। अच्छा जब भी आप लोग आते हैं कोटा में एलन में, तो अधिकतर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गूगल पे यूट्यूब पे तमाम चीज़ें जानकारी लेकर आते हैं, अपने सीनियर्स को सुनते हैं, टॉपर्स को सुनते हैं, तो क्या आप लोगों ने कभी टॉपर्स टॉक शो देखा है और उनसे सीखा है, और फिर कभी जब खुद वो रैंक हासिल की और फिर मंच पर बैठ के वो फीलिंग कैसे थी? हाँ ऐसे हम भी वीडियोज़ देखते थे कि क्या हो रहा है कैसे, मतलब कि हमको भी कुछ तो चाहिए था कि कैसे होगा क्या होगा, एक आइडिया मिल जाता है, तो अब वही खुद ही ऐसे बैठ के खुद ही वीडियो देना तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, कि अपनी कहानी खुद बता रहे हैं कि कैसे हमने मेहनत की, क्या क्या हासिल किया, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। क्या बात है, आज सभी अच्छे कॉलेजेस में हैं, MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं और भाभी डॉक्टर्स हैं, और हम सब की बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। एलन की पूरी टीम की तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने अपना इतना कीमती टाइम दिया और
फिर से वो जिंदगी वो यादें जिन्हें यहाँ पर आए हो। और चलिए एक बार सब मेरे साथ कह दीजिए, एलन है, एलन है तो वाकई सब मुमकिन है। अब हर घर पहुंच रहा है एलन, हर घर में एलन।